चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड कर लो क्वेश्चन, स्टार्ट करें। ठीक, देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है और वो भी रेशियो पूछ रहा है उसका। ठीक है, किसका किसका? ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन पाइप है और क्लोज पाइप है। ठीक है, तो ओपन पाइप का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है? एन इंटू वी बाई 2L। ठीक है, क्लोज पाइप का क्या होता है फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला? 2N-1 इंटू वी बाई 4L। ठीक है, अब क्योंकि फंडामेंटल की बात कर रहा है, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक, या फर्स्ट हार्मोनिक, बात एक ही तो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब n इज इक्वल टू 1। तो ओपन ऑर्गन पाइप में n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन की वैल्यू आएगी v अपॉन 2L, और अगर क्लोज पाइप में बात करोगे तो फंडामेंटल की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा? v बाई 4L। तब ये ओपन ऑर्गन पाइप है, ये आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो क्या हो गया? दोनों का रेशियो ओपन अपॉन क्लोज्ड v अपॉन 12 अपॉन v अपॉन 4L, इट मीन्स 2:1, इट मीन्स 2:1 आएगा। देखो चेक करो, ये आंसर करेक्ट है, 2:1। ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, इसका डेरिवेशन याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको अगर याद है ये दोनों, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल नोट बात एक ही है, और फर्स्ट या फर्स्ट हार्मोनिक बोलता तो भी बात एक ही थी। ठीक है, और दोनों का रेशियो हमने फंडामेंटल के बेसिस पे निकाल लिया तो 2:1 आया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।